परिमय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम या ऋणात्मक जिसे हम अंग्रेजी में एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव अ नंबर भी कहते हैं तो पहले समझते हैं कि ये एडिटिव इन्वर्स है क्या मान लीजिए फॉर नंबर और फॉर फॉरन लेट लेट्स ए तो हम कहेंगे कि ए के अंदर हम ऐसा क्या नंबर जोड़ें कि उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए तो मान लेते हैं कि ए को अगर हम मान लेते हैं इसमें हम नंबर जोड़ते हैं कोई एक्स तो x का वैल्यू होगा x विल be इक्वल टू ज़ीरो माइनस ए यहाँ पर हमने दोनों तरफ में माइनस ए लिया है यहाँ पर हमने माइनस ए को अगर हम दोनों तरफ में जोड़ दें तो हम आंसर यही वाला पाएंगे तो वी जस्ट एड माइनस ए ऑन बोथ द साइड्स तो दिस माइनस ए एंड दिस ए गेट्स कैंसल्ड आउट तो बचता है यहाँ पर x इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस ए और सिंपली x इज़ इक्वल टू A. तो इससे हमें ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो हमें कह रहा है कि ए के अंदर जो हमें वैल्यू जोड़नी थी वो होगी माइनस ऑफ एटम जीरो पर लिखा है दिस इज दिन दिस इज तो यहाँ पर क्योंकि हमने ए को हमने इंटीजर माना था तो दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अफ एन एंटीजर इन दैट केस अब यहां पर जो हमने खास चीज देखी कि जो एक नंबर है ए और एक दूसरा नंबर है माइनस ए वी नो दैट फॉर ए माइनस ऑफ ए इज द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव ऑफ द नंबर ए सिमिलरली फॉर अ नंबर माइनस ए एंड ए दिस ए इज द नेगेटिव ऑफ माइनस ए तो दिस इज वॉट वी आर अबाउट नेगेटिव एंड एडिटिव इनवर्स तो हम आमतौर पर हम ये कह सकते हैं इफ़ फॉर अ नंबर ए if we add minus a this becomes zero so we will be calling it as minus a as the additive inverse of a and vice versa this a is the negative of minus a or a is the additive inverse of minus a to aiye ek example le lete hain 5 plus minus of 5 that is the additive inverse will become zero तो हम कह सकते हैं कि minus पांच जो है इसका एक योज्य प्रतिलोम है पांच का इसी तरीके से हम यहां देखेंगे कि एक एग्जाम्पल लें अगर माइनस फाइव प्लस फाइव इज ऑल्सो जीरो सो वी कैन से दैट फाइव प्लस माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो सो हम दोनों ही केस में हम कह सकते हैं कि ये एक एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं माइनस फाइव इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ फाइव एंड वाइस वर्सा इसके केस में भी यही हमें दिखाई देता है तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव भी हम कह सकते हैं अब इसी तरीके से रैशनल नंबर में भी हम देख लेते हैं रैशनल नंबर का अगर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं लेट्स एट अपॉन नाइन तो एट अपॉन नाइन प्लस माइनस ऑफ एट अपॉन नाइन दैट इज उसका जो एडिटिव इनवर्स है उसका क्या वैल्यू आएगा तो देखते हैं इसको हम अगर लें एट प्लस एट पॉइंट नाइन इधर से प्लस एंड माइनस को हम जब खोलेंगे तो ये बनता है माइनस ऑफ एट पॉइंट नाइन सो दिस बिकम्स जीरो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए और इसी तरीके से हम ले माइनस ऑफ एट पॉइंट नाइन प्लस एट पॉइंट नाइन इसका वैल्यू भी हमें जो मिलेगा वो एक ही मिलेगा विच इजीरो तो हम एक दूसरे के केस में हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सिस भी हैं दैट इज माइनस एट पॉइंट नाइन एंड एट अपॉन नाइन एक दूसरे के नेगेटिव भी हैं तो अगर अभी यहाँ कंक्लूड करें फॉर सम नंबर लेट से माइनस ऑफ ए अपॉन बी तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा या इसका जो ऋणात्मक नेगेटिव जो भी हम कहें वो होगा प्लस ऑफ ए अपॉन बी और सिमिलरली फॉर ए अपॉन बी इसका जो ऋणात्मक होगा वो माइनस ए अपॉन बी होगा यानी कि इसका नेगेटिव है एक दूसरे के नेगेटिव हैं दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दीज टू थिंग्स दूसरा अगर हम याद करते हैं एडिटिव इन्वर्स के साथ साथ जो एडिटिव आइडेंटिटी थी वो थी कि ए के अंदर हम ऐसा क्या करें कि उसका आंसर जो है वो ए ही बना रहे उसमें हम ऐसा क्या जोड़ें सो वी गॉट वी रिमेंबर दैट उसका आंसर जीरो था कि जो ज़ीरो को अगर हम किसी भी नंबर में जब ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम ही रहता है तो दिस ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी एंड दिस नेगेटिव नंबर इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी नंबर और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एडिटिव इन्वर्स की या फिर नेगेटिव की जो हम यहाँ देख रहे हैं चाहे योज्य प्रतिलोम बोलें हैं ऋणात्मक बोलें ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारी नेचुरल नंबर्स पर भी लगती हैं ये होल नंबर्स पर भी लगेंगी ये इंटीजर्स पे भी लगेंगी रियल नंबर्स दैट इज़ जो एक पूरा ग्रुप होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का उस पर भी लगेगी और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर भी लगेगी यानी कि इन कोई भी इनमें से कोई भी नंबर ले लिया जाए ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इन सब पर ही लागू होती है हमारी अगली वीडियो के अंदर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो